नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो कल के लिए मतलब 21 अप्रैल 21 अप्रैल 2020 के लिए मैंने इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स का बाइसल लेवल्स दिखाऊंगा। तीनों सेटअप, बाइसल लेवल्स, गाउन लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स, बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा। 100 EM स्ट्रेटेजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, वोलेटिलिटी बेस्ड गन लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स, मूरेस लेवल्स, नंबर वाइब्रेशन, गन स्क्वायर ऑफ 12, गन स्क्वायर ऑफ 9, गन एंगल्स, गन डिग्रीज और प्रोबेबिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबल लेवल्स, ये सब लेवल्स दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, ये आप लोग को फ्री में रोज मिल जाएगा। इसका आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसमें आप लोग को लाइव मार्केट काम करने का, नेक्स्ट डे में काम करने का बहुत ही बेनिफिट आ जाएगा। इसके अलावा मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस का रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने लाइव डेमो दिखाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का, मेनली दिखाता हूँ, स्टॉक भी दिखाऊंगा। स्टॉक में एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट अलग अलग से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो इसीलिए नहीं दिखाता पाता हूँ, लेकिन आप लोग भी नोट उसको नोट कर सकता है और मैं भी दिखाने का कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या होगा, जो उसमें जो डेमो दिखाऊँगा आप लोग को पता चल जाएगा ये कि कितना स्ट्रांगली ये काम करता है। मेरा जो बाइसल लेवल्स और चार्ट का सेटअप्स, इसमें आप लोग डिसीजन ले सकता है कि इसमें आप लोग कॉल सर्विस ले सकता है या मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे बाइसल लेवल्स कैलकुलेट किया गया जाता है और चार्ट का सेटअप्स का दिखा, चार्ट का सेटअप क्या है वो आप लोग को ट्रेनिंग में दिखा जाएगा। आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ट्रेनिंग का मॉड्यूल आप लोग को दिख जाएगा। इतना कम प्राइस में आप लोग इमेज काफ़ी आप लोग को इतना किसी जगह पे नहीं मिल जाएगा, इसे अमेजिंगली एट लो कॉस्ट में इसको आप लोग को मिलेगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स मेरा ऑलरेडी है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकता है, ये आप लोग को बहुत ही बेनिफिट देगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स है, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑप्शन चेन, बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी है। और भी मैंने डाउनलोड और भी मैंने अपलोड वीडियो करूँगा। रिसेंटली मैंने दोनों वीडियो दिया है, गन मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी और पावर ऑफ गन एंगल्स, ये सब वीडियोस आप लोग देख सकता है। और भी मैंने अपलोड करके जाऊंगा। और तो ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आएगा तो लाइक कीजिए ज़रूर। तो इसमें आप लोग का भी बेनिफिट होगा और दूसरे का भी फ़ायदा होगा। और ये जो बाइसल लेवल्स में क्या क्या है, इसमें ये व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल्स, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ये सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने के आप लोग कुछ दिन इसका बाइसल लेवल्स का ट्रायल देख सकता है, उसमें मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और रेगुलर बेसिस पे आप लोग देखेंगे तो आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप लोग को इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसका सर्विस ले सकता है। बाइसल लेवल मैंने एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा, आप लोगों को व्हाट्सएप में गाइड भी करूँगा कौन सा लेवल पे कौन सा एंट्री लेना है, कौन सा लेवल मैंने कॉल भी दूंगा आप लोग को। और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिए, वो आप लोग को लेना ही चाहिए। तो आप लोग भी इसका इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। और इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तो आपके आप लोग को बेनिफिट होगा और दूसरे को भी बेनिफिट होगा। और इसमें आप लोग को लाइव डेमो चाहिए तो आप लोग को एक दिन में लाइव डेमो दिखाऊंगा, स्टॉक, इक्विटी, कमोडिटी कुछ भी में आप लोग को, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए बाइसल लेवल 1, बाइसल लेवल 2, बाइसल लेवल 3 पहले दिखाता हूँ। यह है बाइसल लेवल 1, इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेके टारगेट 8 दाएं तरफ, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, किसमें क्योंकि बहुत सारा चीज़ दिखाऊंगा, कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह बहुत सारा चीज़ दिखाऊंगा। इसका सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा और टारगेट 4 बाएं तरफ रहेगा, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहेगा। और ये है बस सेकेंड लेवल, आप लोग कोई भी लेवल पे काम कर सकता है। और आपको या इतना सारा लेवल्स कंपेयर करके मेरा लाइव डेमो देखिए,
मैंने कैसे कंपेयर करके सब लेवल कंपेयर करके मैंने एक लेवल पे काम करता हूँ, तो वो आप लोग भी समझ जाएंगे, तो उस लेवल पे आप लोग काम कर सकते हैं, उसके लेवल पे भी आप लोग को दिखा दूँगा, ठीक है। तो इस नहीं तो आप लोग कोई भी लेवल, एनी लेवल, आप लोग कोई भी जितना सारा लेवल जगह तो एनी लेवल पे काम कीजिए और मेरे को फीडबैक दीजिए। आप कोई एक बार नहीं मिलेगा तो मेरे को जस्ट फीडबैक दीजिए। हाँ, गैप अप गैप डाउन आप लोग को कंसीडर कर लेना है, और स्टॉप टारगेट टारगेट में बुक कर, टारगेट के पहले ही थोड़ा सा पहले बुक कर लेना है, और आप लोग को प्रॉफिट नहीं देगा तो मेरे को ज़रा बताएगा, ठीक बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें आप लोग को 547, 549 के बीच में है, तो 500 लीजिए, 549 नज़दीक है तो इसको छोड़ देना है, उसके बाद इस टारगेट का देना है। ये सब चीज़ आप लोग को कॉमन सेंस अप्लाई करके आप लोग को कर लेना पड़ेगा। और इसके बाद वाइसल लेवल्स 2 दिखाया, उसके बाद वाइसल लेवल 3 दिखाऊंगा, और इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप लोग भी देख सकता है, उसी के हिसाब से मैंने इसको स्क्रीन किया है। और इसमें है, ये है बाइसल लेवल 3, इसमें R1 का बाई का एंट्री लेवल है और S1 का सेल का एंट्री लेवल है। इसमें भी गैप अप और गैप डाउन आप लोग को देख लेना है। और इसमें है पिवट पॉइंट, ये इसमें पिवट पॉइंट रहता है, पिवट पॉइंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये भी इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। और ये बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, लोअर बैंड, ये मिड बैंड, ये भी आप लोग देख सकता है, इसका ऊपर नीचे भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। प्राइस चैनल टीनल, ये भी आप लोग को इम्पोर्टेंट लेवल होगा। इसके बाद ये जो टीनल लेवल है, इसका टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके बाद मैंने जो दिखाऊंगा वह गन एंगल का लेवल, ये प्लेन गन एंगल का लेवल, ये वोलाटिलिटी बेस्ड नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा, ठीक है। ये आप लोग को कहीं को किसी भी वेबसाइट में, किसी भी ऐप में आप लोग को फ्री नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर आप कुछ लोग बनाता है, लेकिन उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये गान डिग्रीज का लेवल गया, ये है गान स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल, ये R1 से R1 R2 R3 ये सब बाई का लेवल है, S1 S2 S3 ये सेल का लेवल है। और ये है मूडेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस बीच में रहता है, लोएस्ट सपोर्ट बीच में रहता है, और इसमें ट्रेड ऐसे लेना है कि 564 और 570 के बीच में रहेगा तो अप ट्रेंड लेना है। 568, 567, 567 होगा तो आप लोग को अप ट्रेंड में लेना है, और इस पहले टारगेट ये होगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है। और नीचे 558 के अंदर होगा, सोच लीजिए 560 है, 562 है, तो इसमें आप लोग को और इसका नज़दीक आएगा तो इसको छोड़ देने के बाद नेक्स्ट टारगेट लेवल पे लेना है, ये भी बहुत ही अच्छा लेवल है। और ये तो कौन सा लेवल पे कौन सा है, और ये जो गन डिग्रीज में कौन सा लेवल पे कौन सा डिग्रीज पे है, ये आप लोग को दिखा देता है, और लगभग कौन सा कितने टाइम पे ये चेंज हो सकता है, 1 घंटा और मिनट पे है, सोचिए ये 11 मिनट पर बाद ये चेंज हो सकता है, ये 3 घंटा 80 मिनट के बाद चेंज हो सकता है, ये 13 मिनट के बाद चेंज हो सकता है, ये 5.6, ये एक्चुअली गन टाइम एंड प्राइस स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। और ये है 360 डिग्री का एनालिसिस, ये 360 डिग्री अपसाइड ये 45 डिग्री से चालू होता है, इसका एंट्री कौन सा लेवल पे है आप लोग को देख लेना है, उस लेवल का ऊपर या नीचे आप लोग को ट्रेड करना है। 360 डिग्री एनालिसिस अपसाइड, फर्स्ट साइकिल का अपसाइड, और ये है फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड, इधर से होता है फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड, ठीक है। इसका इसके बाद एंड ऑफ द फर्स्ट साइकिल, इसके बाद इसका ऊपर जाएगा तो, या इसका ऊपर ऊपर खुलेगा तो आप लोग को फर्स्ट अपसाइड सेकेंड साइकिल, ठीक है। अपसाइड सेकेंड साइकिल ये है 45 से लेकर 360 डिग्री तक, और अपसाइड सॉरी डाउन साइड सेकेंड साइकिल, ये भी आप लोग को देखना है। ये एंड ऑफ द सेकेंड साइकिल ये है 2+45 वाला थर्ड साइकिल, ये थर्ड साइकिल अपसाइड और थर्ड साइकिल डाउन साइड, इधर से चालू होगा, इधर से थर्ड साइकिल का डाउन साइड चालू होगा, ठीक है। इसके बाद ये भी फर्स्ट साइकिल सेकेंड साइकिल थर्ड साइकिल, ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक डिफरेंस डिफरेंस, ठीक है, ये अपसाइड और ये डाउन साइड, डिफरेंस विद अपसाइड, ठीक है, अपसाइड डाउन साइड में लिखा है। और गन टाइम, इसमें भी एक टाइम टाइम इंटरवल दिया है, ये टाइम इंटरवल भी आप लोग नोट कर सकता है।
ये है नॉर्मल वाइब्रेशन रूल ऑफ सेवन, ये रूल ऑफ सेवन ठीक है, रूल ऑफ सेवन मार्केट में तेना लेवल 369 इसका एक नंबर वाइब्रेशन होता है, और सेवन का एक नंबर वाइब्रेशन सेवन का अंदर 1 2 4 5 6 7 8 9 तक ये आएगा, सॉरी 1 5 4 5 6 8 तक आएगा और इसका 369 तक आएगा। ये है ग्राउंड स्क्वायर ऑफ 12, ये भी आप लोग को किसी जगह नहीं मिलेगा। ओके हो गया, इसके बाद मैंने 100 ईएम स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, और इस फाइल में भी जो है वो भी आप लोग इसका जो बाय सेल लेवल है वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ट्रेंड जब ऊपर जाएगा कोई भी स्टॉक्स, पहले आप लोग को ट्रेंड चुन लेना है। ट्रेंड चुनने के लिए आप लोग को बहुत सारा इंडिकेटर्स इधर दिया हुआ है, इधर 5:30 में क्रॉस ओवर, 9:55, 20:10, 100, 20:50, 20:30, 50 100 तक ये देखिए क्रॉस, आप लोग ट्रेंड का पता चल जाएगा। ट्रेंड का पता चलने के बाद ये आप ट्रेंड जब और भी ऊपर जाएगा तो एक कौन सा लेवल पर ऊपर जाएगा और कौन सा लेवल सही रहेगा, और आप ट्रेंड जब रिटेस्ट होकर नीचे जाएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, और डाउन ट्रेंड में जब होगा तो डाउन ट्रेंड रिटेस्ट होकर जब ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, ये आप लोग को इस शीट से मिल जाएगा। और कौन सा लेवल पर कौन सा है वो भी आप लोग को दिखा जाएगा। अभी मैंने 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा, ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये भी इस्तेमाल करके आप लोग एक्चुअली ये सब आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग पूरा फाइल आप लोग को मिल जाएगा, तो पूरा फाइल मिल सकता है। आप लोग मेरा कॉल सर्विस लेंगे तो आप लोग को पूरा मिल जाएगा फाइल। और ट्रेनिंग में सब कुछ कवर नहीं करेगा, लेकिन ट्रेनिंग में जो कुछ कवर करेगा उसका फाइल भी आप लोग को ट्रेनिंग का एंड में आप लोग को दिया जाएगा, और सपोर्ट भी मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, अपडेट नहीं कर पा रहा है। तो देखिए इसमें बार्जर पेन में ये 100 डे मूवर है, आज का कैंडल डेली कैंडल को काट किया है, आप लोग इधर से देख भी सकता है, लेकिन ऐसे मैंने इसका दिखाऊंगा तो आप लोग को बहुत ही टाइम चला जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैंने दिखाने का आप लोग को चार्ट में चेक करके दिख सकता है। एक मिनट मेरे को चार्ट को थोड़ा सा खोलने दीजिए, सॉरी इसमें तो नहीं आएगा, इसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है इसमें भी आ जाएगा। डेली चार्ट आ जाएगा, एक्चुअली इसमें बहुत ही टाइम जाता है, लेकिन आप लोग खुद चेक कर सकता है। देखिए इसमें डेली चार्ट है, इसमें मेरे को बार्जर पेंट लगाना है, नेट का भी प्रॉब्लम होता है, वीडियो फालतू में वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसका कुछ मायने नहीं रखता, तब भी आप लोग को मतलब यकीन दिलाने के लिए आप लोग को दिखाने के लिए आप लोग को बीच बीच में दिखा देता हूँ। बार्जर पेंट एक्चुअली नहीं है, बार्ज पेंट है, नेट आने दीजिए, उसके बाद मैंने दिखाता हूँ। तब तक मैंने ये बार्ज पेंट में दिखा रहा है, उसके बाद कोल पेल में दिखा रहा है, इसके बाद मुथूट फिनेंस में दिखा रहा है, ठीक है, उसके बाद टोरेंट फार्मा में दिखा रहा है, आया क्या नहीं आया, हाँ बर्ड्स पेंट, यार थोड़ा सा टाइम जाता है दोस्तों, इधर क्या करूंगा, मैंने बर्ड्स फ्रेंड आया क्या नहीं आया, बर्ड्स फ्रेंड कॉल पे
भी स्लो चलता है, उधर बहुत और भी बहुत सारा चीज़ दिखाने का है। और एक चीज़ तो मैंने दिखाने का भूल गया, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल से भी आप लोग को दिखाना है। अरे यार क्या हो रहा है, इसका घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, नहीं आ रहा है। लगता है मेरा नेट में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं चार्ट तो ऐसा, लेकिन प्रॉब्लम कैसे होता, नेट में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है, इसलिए नेट स्लो चल रहा है। अभी तक आया नहीं है, घूम के जा रहा है, घूम जा रहा है। तो आप लोग को कैसे दिखाऊंगा, देखते हैं मेरा वॉच लिस्ट में ऑलरेडी है क्या नहीं है। मैं तो आप लोग को दिखा देता हूँ। हाँ वॉचमैन ऑलरेडी है, तो दिखा देने से बहुत ही मेरा चार्ट का सेटअप हैम्पर होता है। ऑलरेडी सेटअप में है उसको आप लोग को दिखा देता हूँ। इसका 100 डे मूविंग एवरेज चाहिए तो इसका मेरे को ये सब आप करना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, इसके बाद मेरे को मूविंग एवरेज 100 लगाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके इसका 100 करना है। तो देखिए इसका जो 100 डे मूविंग एवरेज, ये जो आज का जो कैंडल है, डेली का कैंडल है, ये वॉच पॉइंट को काट किया है, ठीक है। जितना जितना मेरा वॉच लिस्ट में है लगा देता हूँ, दिखा देता हूँ। कॉल फेल में भी काट किया है, आप लोग को दिखा है, देखिए ये कॉल फेल में काट किया है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को दिख जाएगा, ये कुछ मेरा पूरा कैलकुलेशन अपडेट करके किया हूँ, तो इसमें आप लोग को जो दिखाएगा वो ऐसे ही दिखाएगा, ठीक है। तो दोनों दिखा दिया, उसके बाद देखिए मूविंग एवरेज कुछ मैंने और भी एक इसमें एक स्ट्रैटेजी है, इसको बोलता है गापी मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। इसमें शॉर्ट टर्म कुछ ई एम आई रहता है और लॉन्ग टर्म कुछ ई एम आई रहता है। तो इसमें शॉर्ट टर्म ई एम आई एवरेज, शॉर्ट टर्म ई एम आई जब एवरेज लॉन्ग टर्म ई एम आई का ऊपर रहेगा तो इसमें ट्रेंड बाई का ट्रेंड होगा, और जब उल्टा होगा तो नीचे का ट्रेंड है। तो इसमें देखिए ऑरो फार्मा
बजाज ऑटो फॉर्म में अप ट्रेंड दिखा रहा है, ये बजाज फिनांस, बजाज फिन सब इसमें सब डाउन दिखा रहा है, इसमें बायोकॉन में दिखा रहा है। इसके बाद ट्रेंड देखने के बाद आप लोग बाइसेल लेवल देख लेंगे से आप लोग को मतलब। अच्छा और भी एक चीज़ है इसमें, कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग, कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग में इसमें क्या है, और भी एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो देखिए निफ्टी वन डे का हिसाब से जो चेंज इन प्राइस है, ये 7 डेज का हिसाब से चेंज इन प्राइस, 15 डेज का हिसाब से चेंज इन प्राइस और 30 डेज का हिसाब से ये चेंज इन प्राइस। तो आप लोग देख सकते हैं ये 30 डेज का हिसाब से इसका नेगेटिव चेंज इन प्राइस, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज इन, 15 डेज का हिसाब से, 7 डेज का हिसाब से भी पॉजिटिव चेंज इन प्राइस है, लेकिन आज का जो चेंज इन प्राइस है थोड़ा सा कम गया है। ठीक है, इसमें चेंज इन प्राइस थोड़ा सा कम लगता है, इसमें भी ट्रेंड, इसमें भी आप लोग को ट्रेंड का पता चलेगा, इसमें सभी स्टॉक्स और स्टॉक्स में भी पता चल जाएगा और सो कमोडिटी सभी का पता चल जाएगा। और जो एसीसी अंबुजा का देखिए, जो मैंने जितना सा 90 डिग्री का 90% का ऊपर जो कोरिलेशन है उसमें मैंने दिखा दिया, तो इसमें हाईलाइट करके रखा है। तो एसीसी अंबुजा इसका देखिए, एसीसी को सेल करना है, अंबुजा को बाई करना है, क्यों बाई करना है, क्योंकि ओसीसी का, एसीसी का जो चेंज इन प्राइस है वो अंबुजा सीमेंट से ज़्यादा है, अंबुजा सीमेंट नेगेटिव है, तो एसीसी को सेल करना है और अंबुजा सीमेंट को बाई करना है। मेरा पेयर ट्रेडिंग वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, आप लोग को कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। ये ऑन डे का हिसाब से और ये 7 डेज का हिसाब से आप लोग डिलीवरी करेंगे तो वो भी ऐसा ही दिखा रहा है, और वो भी ऐसे 15 डेज का, 30 डेज का सभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और एशियन पे मैंने थोड़ा सा ये जो जिसमें बजाज ऑटो मारुति का, ये बजाज ऑटो का सेल करना है और मारुति को बाई करना है। ठीक है, तो ये है ये हिसाब से, लेकिन आप लोग 7 डेज का हिसाब से देखेंगे तो आप लोग जो डिलीवरी करेंगे तो मारुति को बाई करना है और इसका बजाज ऑटो को सेल करना है, और इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ शायद तो इसमें भी, इसमें लेकिन 15 डेज का हिसाब से बजाज ऑटो को बाई करना है, और सॉरी बजाज ऑटो को सेल, सभी में बजाज ऑटो को सेल करना है और मारुति को बाई करना है, और इसमें इसमें वही दिखा रहा है। ठीक है, इसमें बाटा इंडिया में देखिए फर्स्ट को बाई करना है, सेकंड को सेल करना है, मतलब बाटा इंडिया को बाई करना है और ये इंटरबुल हाउसिंग फिनांस को सेल करना है। ये पूरा चार्ट आप लोग को दिख जाएगा इधर से। ठीक है, मैंने इतना सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मेरा बहुत सारा, लेकिन जब 90% के ऊपर जो जिसमें प्यार ट्रेडिंग प्यार है उसमें आप लोग कौन सा लेवल पे कौन सा किसको बाई करना है वो भी आप लोग को दिख जाएगा, और कितना कोरिलेशन अच्छा है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। तो ये फाइल पूरा लेंगे तो आप लोग को बहुत सारा मतलब बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट होगा। अच्छा, इनसाइड द बार NR4 NR7 दिखा देता हूँ। सोच लीजिए अदानी इसमें SEC में इनसाइड द बार NR4 NR7 बना है SEC में, और देखिए इनसाइड द बार बना है अदानी, क्या है अदानी पोर्ट होगा शायद, हाँ ये अदानी पोर्ट है। तो इनसाइड द बार कैसा हुआ है देखते हैं, मेरा इसमें है क्या अदानी पोर्ट होगा तो दिखा देगा, नहीं तो नेट में इतना स्लो आ रहा है। ये तो अदानी पावर है, पता नहीं कि ये प्रॉब्लम कर रहा है, अदानी पोर्ट ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इसको बाद में देखते हैं। तो इसके इसमें है अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल लिस्ट पे है, अपोलो हॉस्पिटल लिस्ट पे है, इसको दिखा देता है। इसका क्या है, ये भी इनसाइड द बार है, देखिए वन डे का हिसाब से ये जो कैंडल है अगला दिन का, आज का जो कैंडल है वो अगला दिन का कैंडल का हाई और लो का अंदर रह गया, अगला दिन का कैंडल का जो हाई लो था उसका ब्रेक नहीं, हाई भी ब्रेक नहीं किया और पाया, लो भी ब्रेक नहीं, तो यही इनसाइड द बार है। तो इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा ये कॉम्प्रेस्ड हो गया है,
इसका या इसका कोई इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा तो आप लोग को अच्छा मोमेंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को दूसरा भी दिखाता हूँ, कोई भी आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। इंसर्ट डबर इन एफ और इन एस सेवन, अच्छा ठीक है, बहुत सारा है, मैंने और भी दिखाता हूँ। ये देखिए इधर ए सी सी में लगातार 3 दिन से हायर हाई हायर लोस दिखा रहा है, तो ही आप लोग को इधर से दिखेगा चार्ट पे। देखिए लगातार 3 दिन से ये हायर हाई हायर लोस बना है, तो इसका जब हाई और हाई ब्रेक करेगा तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट देगा, ठीक है। उसके बाद ये अदानी एंड में भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ में हो रहा है, मैंने देखता हूँ लोअर हाई लोअर लोस कुछ बना है क्या नहीं है। लोअर हाई कुछ बना नहीं है, दोजी अप ट्रेंड में कुछ दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर पॉजिटिव हैमर हैंगिंग मैन, इधर हैंगिंग मैन बना है अदानी पोर्ट में, अदानी पोर्ट तो नहीं आ रहा है मेरा लिस्ट में भी, अगर अर्ली रहा स्टेटस नहीं है, दिखा नहीं पाऊँगा। और भी कुछ देखता है इसमें, पॉजिटिव हमार हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हमार कुछ में बना है क्या, नहीं बना है, नहीं बना है, ठीक है, तो छोड़ देता है, नहीं बना है, सभी में सब कुछ नहीं बनता है। और इधर मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉट, ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ है जिसमें मास्टर लॉन्ग और मास्टर शॉट बना है। आप लोग हाई जब इसका हाई और लॉन्ग का साइड में जब हाई ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा मोमेंट देगा, और शॉर्ट का साइड में जो अच्छा मोमेंट देगा तो ये मास्टर लॉन्ग और ये तीनों सेट और ये तीनों सेट जब किसी भी जगह पे इसका जब हाई ब्रेक करेगा तो ये तीनों का अंदर कुछ भी लेवल आएगा तो हाई ब्रेक करेगा तो अच्छा मोमेंट मिलेगा, और किसी भी जगह लो ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा मोमेंट मिलेगा। इधर देखिए बुलिश एनग्राफिंग बना है बेल में, इधर मैंने ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए इधर आप लोग को दिखा नहीं पा रहा हूँ, बेल को दिख नहीं दिखा रहा नहीं है। इसके बाद लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिधर कैंडलस्टिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये प्राइस एक्शन से बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तो इसमें जब करेंगे तो आप लोग को उसी का ये भारत पॉट्स में लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, भारत पॉट्स है मेरे पास लॉन्ग टेल, देखिए इसमें थोड़ा सा टेल थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें क्या है इसमें बाई प्रेशर ज़्यादा है, ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसमें और इधर लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये सीएससी में सीएससी भी होगा शायद, मेरा अभी नहीं दिखाता हूँ। इसमें लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये अदानी पोर्ट है, अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल में लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक बना है, लॉन्ग बॉडी मतलब एक सॉलिड बॉडी होगा, बॉडी ज़्यादा होगा और इसका वीक कम होगा, ये देखिए ऐसा ही बना है, ये लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आप लोग को मैजिक की तरह जो मतलब इसमें जो दिखाऊंगा, मतलब इसमें जो मेरे एक्सेल शीट में जो आएगा, क्योंकि ये फार्मूला देख के बना है दोस्तों। इधर जो आप लोग ओपन हाई लो क्लोज दिखा रहे करेंट डे से, डे हाई डे टू डे थ्री फाइव, मतलब इसका लेके इसका लेके मतलब इसका फार्मूला बैठा के बटा है, तो अभी जाके ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इधर दिखा रहा है, और इसमें आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा खर्च करके आप लोग को लेंगे तो सर्विस लेंगे तो आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। ये बियरिश रिवर्सल हो जाएगा, ये तो एसीसी आप लोग को दिखा दिया है ऑलरेडी, डेली बियरिश रिवर्सल है, इसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बियरिश रिवर्सल है, ये है बिहारी हरामी, ठीक है, चोलाफिन में बिहारी हमारे हरामी बना है, और इसमें ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, देखते हैं एसीसी में ट्रायंगुलर पैटर्न कैसे ब्रेक हुआ है एसीसी में। देखिए इसमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना है, इधर से आप लोग देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना था, उसका ब्रेकआउट हुआ है आज, तो इसका इसका भी एक सिग्निफिकेंस रहता है, बहुत ही अच्छा, मतलब ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन है, ट्रेंड बुलिश पैटर्न बन रहा है एसीसी का, बहुत ही अच्छा बुलिश दिखा रहा है सभी, बहुत सारा कैंडलस्टिक का एसीसी एक्चुअली, ये तो थोड़ा सा
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ कुछ रोड का काम चल रहा है, ये COVID-19 का वजह से, और कुछ कुछ सेक्टर ओपन हो गया है, तो सीमेंट, FMCG, फार्मा सेक्टर में कुछ आप लोग को आप मूवमेंट दिखाई देगा। और भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, ठीक है। अभी मैंने दूसरा चीज़ दिखाऊंगा, बाई सेल लेवल्स दिखाऊंगा, और भी बाई सेल्स लेवल दिखाऊंगा। ऑलरेडी 30 मिनट का वीडियोस हो गया मेरा, तो इसमें बाई सेल लेवल्स कुछ दिखा देता हूँ। वो मैंने देखिए इतना सारा स्टॉक्स में नहीं दिखाता हूँ, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स और फ्यूचर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें काम करता है। तो इसमें देखिए 7 डेज का हिसाब से आप लोग बाई सेल लेवल नोट करते रहिए, 7 डेज का फिबोनाची लेवल, और हिसाब से बाई सेल, बाई लेवल एंड सेल लेवल आप लोग देख सकता है। इसके बाद 5 डेज का हिसाब से देख सकता है, उसके बाद 2 डेज का लेवल देख सकता है, 1 डेज का हिसाब से देख ले सकता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में लेवल देखने का मतलब ये होता है कि उसका वो लेवल जो ब्रेक करेगा, तो ये सोच लीजिए 1 डे का हिसाब से, मतलब अगला कल के लिए, आज आज का लेवल का, ठीक है। इसका ये लेवल जो ब्रेक करेगा अच्छा मूवमेंट मिलेगा, मतलब। लेकिन जब 7 दिन का या 15 दिन का लेवल जो ब्रेक करेगा, तो ये इसका बड़ा मूवमेंट मिलने का चांसेस है। सोच लीजिए 7 दिन का जो फिबोनाची का लेवल कितना दिखा रहा है, 9382, तो ये लेवल जो ब्रेक करेगा तो इसका थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट मिलेगा, मिलने का प्रोबेबिलिटी रहता है। 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से भी मेरा बनाया हुआ है फिबोनाची का लेवल, CPR, पिवट पॉइंट का लेवल। इतना सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा एक साथ, आप लोग को ये लेना चाहिए। ये देखिए 15 डेज का हिसाब से ये लेवल दिखा रहा है, ये सब लेवल दिखा रहा है, तो आप लोग इसका इसका बाद ये इसका लेवल आने का प्रोबेबिलिटी है। तो एक दिन में नहीं आ सकता है, जो लोग आप लोग डिलीवरी भी कर सकता है, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा एक दिन में भी आ सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करके एटलीस्ट इतना लेवल, इतना इतना नहीं आएगा तो आप लोग सोच लीजिए 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का मूवमेंट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकता है। इसके बाद 30 डेज का हिसाब से, और सेल का साइड में भी ऐसा ही है, 30 डेज का हिसाब से ये लेवल दिखा रहा है, ठीक है। और इसका CPR पिवट पॉइंट का लेवल भी आप लोग को दिखाऊंगा, उस वो भी बना के रखा हूँ, CPR पिवट पॉइंट का लेवल। ये देखिए CPR 7 डेज का हिसाब से, CPR पिवट पॉइंट, ये सब लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है, इसमें भी आप लोग को काम पे आएगा, ठीक है। आप जो दिखाऊंगा ये आप लोग को सबसे, आप लोग इसीलिए मैंने बोलता हूँ कि वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो ये लेवल आप लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो अभी दिखाऊंगा वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है, इसको मैंने ऑन में दिखाता हूँ, ये इसीलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो ये वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची का लेवल है, ये सबसे अच्छा काम करता है, फिबोनाची का लेवल, वोलेटिलिटी बेस गन, कोई भी लेवल आप लोग इसमें बोला, फिबोनाची लेवल्स, गन एंगल्स, गन डिग्रीज, ये जो दिखाता हूँ अभी नोट कीजिए, कीजिए ध्यान से नोट कीजिए, आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा। ये है गन एंगल्स का गया, ये गन डिग्रीज का लेवल्स है, ये सब वोलेटिलिटी लिंक्ड है, ठीक है। और इसमें यही आप लोग को ट्रेनिंग पे सिखाऊंगा, और इसका इसका जो ये पोर्शन जो है आप लोग को, आप लोग के साथ आप लोग को दे भी दूंगा, आप लोग मतलब इसका इस्तेमाल कर सकता है। और ये जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड ये इलियट वेव है, और भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड कुछ लेवल है, ठीक है। ये एक लेवल है और ये भी लेवल है, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, बाई का एंट्री लेवल, उसके बाद इतना सारा टारगेट, उसके बाद सेल का लेवल, उतना सारा टारगेट, ठीक है। तो ये हो गया एक लेवल, और मैंने इसी फाइल से कुछ लेवल्स आप लोग को दिखा देता हूँ, और इस फाइल से भी कुछ लेवल्स मैंने बनाया, इसमें भी बहुत सारा लेवल्स है, आप लोग ATP भी उस लेवल्स देख सकता है। पहले तो आप लोग इसका ATP 1 डेज का हिसाब से बाई बाई मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का ही दिखाता हूँ, बाई लेवल और सेल लेवल देख सकता है, ठीक है। ये है 1 डेज का हिसाब से, ये है 5 डेज का हिसाब से, इसका बाई लेवल कहाँ गया, हाँ ये है बाई लेवल,
और ये है सेल लेवल, ठीक है, 5 डेज का हिसाब से, और ये है 15 डेज का हिसाब से, ये है बाई लेवल, ठीक है, और सेल लेवल, ठीक है, और 30 डेज का हिसाब से इसका या ये है बाई, ये है बाई लेवल और ये है सेल लेवल, ठीक है। और इसमें आप लोग को नियर हाई, नियर 1 वीक हाई, 2 वीक हाई, नियर 30 डेज का हाई, ये सब आप लोग को मिल जाएगा। और न्यू हाई लो जो बना है 1 वीक 2 वीक का बेसिस पे, मंथली का बेसिस पे, 52 वीक का बेसिस पे, ये भी आप लोग को मिल जाएगा। इसमें स्टॉक्स में भी आप स्टॉक्स में मिल देखेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। न्यू हाई लो बना है तो न्यू हाई लो का आप लोग समझ सकता है, उसका जब और भी ऊपर जाएगा तो इसका ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है, उसका जब हाई ब्रेक करेगा। इसमें भी बहुत सारा चीज़ है दोस्तों, इसमें MACD आप लोग देख सकता है, MACD का क्रॉस ओवर देख सकता है, MACD क्या सिग्नल दे रहा है, MACD बुलिश या MACD क्रॉस ओवर, MACD हिस्टोग्राम क्या सिग्नल दे रहा है आप लोग इधर से देख सकता है, RSI देख सकता है, बहुत सारा चीज़ है इसमें। उसके बाद बहुत सारा वाइसल लेवल्स भी है, ATR है, ठीक है, स्टोकास्टिक है, बोलिंजर बैंड है, सुपर ट्रेंड है, प्राइस चैनल है, लिनियर डिग्रेशन, इशिमोकु क्लाउड, वेटेड क्लोज, ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज, ये आप लोग को मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म में इतना आसानी से नहीं मिलेगा। ये सैंडलिया चैनल इंडेक्स, ये अब ये भी बहुत ही कमोडिटी चैनल इंडेक्स, वेटेड क्लोज, ये लिस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज, ठीक है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी लिस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज का ऊपर है, ये दिखा रहा है, और इधर ये जो है लिनियर रिग्रेशन फोरकास्ट, वो भी ऊपर दिखा रहा है, ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेटेड क्लोज है 14 पीरियड का हिसाब से, ये भी ऊपर दिखा रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का, लेकिन थोड़ा सा कल नीचे आने का पॉजिटिव फॉर्मेशन में देख रहा हूँ। तो इसमें एक्चुअली अप ट्रेंड है, लेकिन एक्सपायरी तक ये नीचे आने का, सॉरी ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी है, ये धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद इसका नीचे आने का प्रॉबिलिटी दिख रहा है। इसके बाद ये जो गान का लेवल है, ये आप लोग को वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगा, आप लोग इसमें वैल्यू बैठा देंगे, क्लोजिंग का प्राइस का वैल्यू बैठा देंगे तो आप लोग को इस वैल्यू, ये लेवल आ जाएगा। ये है कैमरी का लेवल है, ठीक है, कैमरी का लेवल है। उसके बाद आप लोग फिबोनाची लेवल 2 रेंज का हिसाब से यहाँ आप लोग देख सकता है, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, और इसमें 14 डेज का हिसाब, ATR 14 का हिसाब से ये फिबोनाची का लेवल है, ठीक है। इसके बाद इसमें ये आप लोग को चाहिए नहीं चाहिए, कर सकता है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। और ये गन एंगल्स ये 2 रेंज का हिसाब से, ठीक है, और गन एंगल्स 14 डेज का हिसाब से, ये आप लोग को नोट कर सकता है, ये गन एंगल 2 रेंज का हिसाब से, गन डिग्रीज, ठीक है, गन डिग्रीज, ये आप लोग को 14 डेज का हिसाब से, ये गन 1 स्टैंडर्ड डिविजन 7 डेज का हिसाब से, और ये गन 1 स्टैंडर्ड 15 डेज का हिसाब से। किसी किसी आदमी को ये मतलब इसका कुछ कंफ्यूज लग सकता है, इसीलिए मैंने आप लोग मेरा सर्विस लेने के बाद या आप लोग डेमो मेरा ऑनलाइन आएंगे तो मेरा टीम व्यूअर या एनी डेस्क पे आएंगे तो आप लोग को समझा दूंगा। तो आप लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग को कुछ कुछ कंफ्यूजन लग सकता है, और मैंने कुछ लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ उसमें भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें क्या कंफ्यूजन है आप लोग का, वो भी आप लोग को क्लियर कर दे सकता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, कल फिर मिलेगा।